हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल एंड ऑल अराउंड। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। सबका गणपति बापा सबके विघ्न हरे और सबके जीवन में खुशहाल है। तो ये जो व्लॉग है ये है थोड़ा व्लॉग नहीं, ये थोड़ी क्लिप है रखी मैंने। ये परी के बर्थडे के पहले दिन ये जो गाड़ी आई थी तो ये ट्विंकल ने ली है। और ये है ना, अब हम बहुत रात को 10 बजे मिली क्योंकि उस दिन नहीं मिलने वाली थी, लेकिन वो उसने रिक्वेस्ट की कि बर्थडे है परी का तो मतलब आपको हमको एक दिन पहले चाहिए। तो उन्होंने रात को 10 बजे ये गाड़ी लाई और फिर हम लोग पूजा कर रहे थे। तो ये क्लिप मैंने पिछले वाले वीडियो में नहीं डाली थी तो मैंने अभी इसमें ऐड कर दी है। तो थोड़ी सी एक क्लिप है और बाकी फिर हमारे यहाँ मतलब अभी सबके यहाँ गणेश जी आ गए तो वो भी क्लिप मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। तो गणेश जी के इतना धूमधाम है यहाँ पे सबके यहाँ और इतना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं पूजा भी कर रही थी, मतलब खुशियाँ है समझो। और इसने पता है ये अचानक से सोचा था मतलब कि गाड़ी लेना है, 2 दिन पहले इसने सोचा और दूसरे दिन फिर ये गया और ले आया। तो मैं बोली कि गणेश चतुर्थी के दिन ले आना था, लेकिन ये बोला कि उस दिन बहुत ज़्यादा लोग मतलब ये करते हैं तो अपन है ना 1 तारीख भी शुभ है क्योंकि परी का बर्थडे है और अच्छा भी दिन था तो सोचा कि चलो आज ही ले आते हैं। और मिल भी गई जो लेकिन जो कलर चाहिए था ना वो कलर नहीं मिला था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अच्छा खासा मेहरून कलर मिल गया था। और ये डेस्टिनी है ये, तो इसकी मैं पूजा बोलते हैं ना कि पूजा करना ज़रूरी रहता है, तो ये कोई शॉप नहीं है, बस पूजा करनी है क्योंकि हमारे पास पुरानी गाड़ी है जो हमने ली है वो पुरानी है। ये ट्विंकल ने ली है, ये भी मतलब ये हमारी नहीं है, लेकिन जो मेरी दीदी का लड़का है ना वो हमारे यहाँ रहता है तो उसने अपने पैसों से ली है ये है वो। तो बस यहाँ पे उसका छोटा भाई नारियल हो रहा है, ये भी आया है ना पढ़ने के लिए रिक्की। तो अभी वातावरण तो हमारे घर का बहुत अच्छा है, कॉमेडी वगैरह सब हो जाती है। और ये है गणेश जी चतुर्थी का दिन, तो ये गणेश जी आ गए थे। ये भी ट्विंकल ने अपने पैसों से, उसने बोला कि मैं अपने पैसों से अपना वाला गणेश जी ले आता हूँ। तो चलता है ना किसी के घर में अगर गणेश जी आ जाए तो मतलब कोई किसी का भी पैसा लो, लेकिन ये छोटा सा ये मेरा है, मैंने छोटा सा ही बिठाया था क्योंकि बस यही है। और मनोकामना जो होती है पूरी हो जाती है तो उससे अपन को और आस लगती है कि नहीं है भगवान जी है। और यहाँ तो इसलिए इसने हम लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, मतलब जो लाते हैं उनकी भी। और ये आ रहा है और बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगा हम लोगों के यहाँ। तो थोड़ी सी क्लिप आपके साथ शेयर कर ली है गाइज, तो देखिए कैसा लगा। तो सबके घर में यहाँ है ना भोपाल में इतने सुंदर गणेश जी बैठे हैं सबके यहाँ। हमारे यहाँ पूरी लाइन में, मैं जिस एरिया में रहती हूँ ना वहाँ पे पूरे मतलब सबके घर में है ना गणेश जी आए हैं सबके घर में, और मोहल्ले में भी बिठाए हैं। तो ये नज़र उतारते हैं, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं ज़्यादा नहीं बनाती, लेकिन फिर भी मैं मतलब सेकंड बार मेरे यहाँ गणेश जी बैठे हैं। तो ये देखिए, ये छोटा सा रिक्की ले आया है और ये ट्विंकल अपने पैसों से ले आया है। और बस ये कुछ अब लोगों के साथ, उस दिन बारिश भी आई थी और खुशियाँ आ गई थी। और ये टिंकी के पापा के चेहरे पर बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा। तो अब वो है ना घर में, हम लोग इनको बिठाएंगे, तब तक इनको है ना घर दिखाएंगे। बोलते हैं कि जब भी आते हैं तब पहले पूरे घर दिखाना चाहिए, उसके बाद इनको है ना बिठाना चाहिए। तो हम लोगों ने तैयारी वगैरह कुछ नहीं की थी, फिर यहाँ पे है ना हम लोग अभी सब पूजन का सामान लिया है, हमको पता नहीं था, वैसे वैसे हम बता रहे थे तो वैसे वैसे कर रहे थे। तो ये डेकोरेशन पहले दिन कर लिया था डिंकी के पापा ने, परी ने और डिंकी के पापा ने, इन दोनों ने मिल के। तो बस और यहाँ पर है ना स्वास्थ्य वगैरह निकाल लेंगे। तो गणेश जी सब मतलब ये हमारा मुहूर्त का था, तो 2 बजे तक का मुहूर्त का था, तो हम लोगों ने है ना 2 बजे तक यहाँ पे गणेश जी बिठा दिए हैं। तो आप लोगों ने सबके यहाँ भी गणेश जी बैठे होंगे गाइस, है ना सबके गणेश जी छोटे हो या बड़े हो, लेकिन मन से अगर मानो तो सही रहता है। और कलश की स्थापना तो ये देखिए फाइनली हम लोगों का रूप ऐसे हो गया है, और इतना सुंदर दिख रहा थे, इतना मतलब अभी इतने अच्छे लग रहा था कि बहुत ही अच्छा। अब यहाँ पे दिए वगैरह सब जलाएँगे, सब पूजा पाठ, अब आरती वगैरह हो रही है और छोटी छोटी के लिए, और बहुत ही सुंदर अच्छा लग रहा था क्योंकि हर घर में यहाँ पे गणेश जी बैठते हर घर में। तो चलो हम भी ले आए थे और
बस ऐसा ऐसा ही मन में आता है। बच्चों ने बोला था कि नहीं अपने आप ही आना चाहिए, तो ये सेकंड बार हम लोगों ने आए, और एक बार बिठाए तो 5 साल तो बिठाना ही पड़ता है। तो ये कुछ हम मैं चैनल नंदा और रोंडा, कैसे हो आप सब, आई होप सब बच्चे होंगे। तो आप सबको आज है गणेश चतुर्थी, और आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ भी गणेश जी विराजित हो गए हैं, तो आपके यहाँ भी स्थापना हो गई होगी, है ना। तो हमने समय पे बराबर कर दी है। तो गणेश जी आप सबके जीवन में पूरा सुख लेके आए, आपका पूरा ये लेके आए। तो बस इसी के साथ अपना मतलब नेक्स्ट टाइम में आपको मिलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे है ना, सब लोग मिलके मस्त मतलब अब ये टिंकर टिक्की सब आए, तो छुट्टी का दिन था, संडे का दिन था, सब लोग मिलके पोहा बना लिए थे, क्योंकि हम लोगों ने है ना लंच बनाया नहीं था, तो हम लोगों ने नाश्ता ही किया था। तो हम लोगों ने पहले भगवान जी का लगाया, उसके बाद आपको, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारा काम करना था तो इसलिए हम लोगों ने है ना सिर्फ नाश्ता ही किया था। और ये है अभी सेकंड डे का, तो ये जो दिया जल रहा है ना, ये मैंने मीशो से मंगाया था, 150 का मंगाया था। तो ये भी दिया अभी आते वाले दिन हम लोगों को, ये दूसरे दिन की पूजा है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइस, तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।